स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल केशव जोन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 2022 में जो है वैकेंसी आने वाली है LRC अमीन बिहार जॉब, ठीक ना। टोटल पोस्ट यहां पे आप लोगों का 7595 पोस्ट पे ये वैकेंसी आएगी और सिर्फ अमीन के लिए जो है 6300 पद पर यह वैकेंसी आएगी, ठीक ना। तो बिहार कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, बहुत सारे वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊँगा सिर्फ अमीन के बारे में। और LRC विभाग में जो है वैकेंसी आई हुई है टोटल यहाँ पर 7595, जिसमें कि अमीन की 6300 वैकेंसी है। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है सारी अपडेट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में डायरेक्ट दिया गया है पटना में दिनांक 27 सितंबर, मतलब आज के दिन 2022 मंगलवार को पूर्वाहन 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्रवाई, मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की, ठीक ना। यहाँ पे निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में सिर्फ बताऊँगा। सारी जानकारी लेने के लिए आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 15 स्वीकृत, ठीक ना, स्वीकृत दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जानकारी दी गई है कि बिहार विशेष सर्वे एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित जो है लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य योजना के मत से जो है 363,26,25,000 रुपये मात्र व्यय एवं संविदा आधारित यह वैकेंसी आएगी, जिसमें जो है 7595 पदों पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी में 259 बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का 518, विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो है 6300 एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक का 518 के सृजन की स्वीकृति, ठीक ना। यहाँ पे स्वीकृति जो है दे दिया गया है। टोटल यहाँ पे पोस्ट पे जो है 7595 पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, जिसमें 6300 जो है ओनली अमीन का पोस्ट रहेगा, ठीक ना। तो ये वैकेंसी कब तक आउट हो जाएगी, तो ये वैकेंसी जो है उम्मीद रखिए अक्टूबर से नवंबर के बीच जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसका कन्फर्मेशन मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब यहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है तो यहाँ पर जो है अक्टूबर से नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो यही कुछ आप लोगों के लिए अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।